नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर होता है। हैप्पी वेडिंग या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलना, क्या ये सही है, क्या सही है, ये देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए समझते हैं मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर होता है। भारत में किसी भी घर में शादी हो तो तैयारियां 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। इसके तहत महंगे महंगे कपड़े से लेकर महंगी महंगी सज्जा, साज सज्जा और अच्छे से अच्छा खाना पीना किया जाता है, जिससे तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। साथ ही शादी में पहुंचने वाले लोग भी इंतजाम को देखकर प्रशंसा करें, ठीक है। लेकिन जब भी बात आती है मैरिज या वेडिंग की, तो अक्सर लोग इसे लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार सुना होगा कि फला मैरिज में जा रहे, किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी की वेडिंग में जा रहे हैं। तो इनमें से क्या सही है, आइए देखते हैं क्या होती है मैरिज, ठीक है। विशेषज्ञों के मुताबिक मैरिज कोई उत्सव नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता होता है, जो कि उम्र भर के लिए होता है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि मैरिज कोई उत्सव नहीं है, ये दो व्यक्तियों के बीच रिश्ता है जो उम्र भर के लिए होता है, वो मैरिज है। यह एक वैध संबंध है जिसके तहत विवाह के माध्यम से पति और पत्नी के बीच रिश्ता बनता है, जिसे हम मैरिज कहते हैं। तो एक वैध संबंध है, विवाह के माध्यम से पति पत्नी के बीच रिश्ता बनता है, उसे हम मैरिज कहते हैं। अब समझते हैं वेडिंग के बारे में। वेडिंग क्या होती है? जिस दिन मैरिज यानी विवाह की सभी रस्में पूरी विधि विधान के साथ पूरी होती हैं, उसे ही वेडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्या अंतर समझ में आया? मैरिज मैरिज दो व्यक्तियों का के बीच का रिश्ता होता है, जो एक उम्र भर के लिए रहता है, ठीक है। विवाह से पति पत्नी का, सॉरी, मैरिज से पति पत्नी के बीच का रिश्ता बनता है, जिसे हम मैरिज कहते हैं। सिर्फ इतना ही। लेकिन वेडिंग में क्या होता है? वेडिंग में विवाह की सभी रस्में, वेडिंग में विवाह की सभी रस्में पूरी विधि विधान द्वारा या विधि विधान के साथ पूरी की जाएंगी, सभी रस्में, उसे ही वेडिंग कहते हैं। फिर से, जिस दिन मैरिज यानी विवाह की सभी रस्में विधि विधान के साथ पूरी की जाती हैं, उसे ही वेडिंग कहा जाता है। इस दिन सभी रस्मों को पूरा करने के दौरान लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे विवाह में पहुंच लोग खुशी के पल में शामिल हो सकें, ठीक है। तो वेडिंग क्या हो गया? वेडिंग में सारी रस्में विधि विधान के साथ पूरी की जाती हैं, यहाँ लोगों को भी बुलाया जाता है। इस दौरान वर और वधु बड़ों का आशीर्वाद, ठीक है, जब सारी रस्में होंगी तो वर और वधु को आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो वेडिंग और मैरिज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हैप्पी वेडिंग या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी क्या सही है? शादी की सालगिरह पर लोग अक्सर हैप्पी वेडिंग या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखकर दाम्पत्य को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं, ठीक है। हालांकि लोग यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि शादी होने के बाद हमेशा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का मैसेज भेजा जाता है, ना कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का, ठीक है। तो शादी के बाद क्या भेजना चाहिए? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का संदेश, ठीक है, हैप्पी वेडिंग का नहीं। क्योंकि वेडिंग वह थी जिसमें शादी की सारी रस्मों को पूरा किया गया था, जब शादी हो गई है, ठीक है। तो वेडिंग में रस्मों को पूरा किया जाता है विधि विधान के साथ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेडिंग और मैरिज में क्या अंतर है समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।